तो दोस्तों रामानंद सागर के रामायण के बाद हमारे देश के दुनिया भर में बहुत सारे रामायण बनने लगे, चाहे वो टीवी सीरियल्स में दिखाई जाने वाली शो हो या फिर कई सारे फिल्में। और ये सब कुछ रामानंद सागर के रामायण के बाद ही शुरू हुआ। और हाल ही में आदि पुरुष जैसे शानदार रामायण को देखने के बाद ही सब कुछ फेल साबित हुई। और एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि ओरिजिनल रामायण के मेकर्स फिर से एक और बार रामायण बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में रणबीर कपूर को लेकर रामायण की खबरें तो काफी समय से चल रही है। वो कब बनेगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात एकदम कंफर्म बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि रामानंद सागर के परिवार वाले एक और रामायण बनाने जा रहे हैं। और साथ ही कहा जा रहा है कि ये रामायण एकदम नई होगी, स्टोरी एकदम लॉक हो चुकी है और रामायण के गानों पर भी काम हो चुका है और अब जल्द ही कास्टिंग करके इसकी शूट को चालू कर दिया जाएगा। प्रेम सागर जी जो कि रामानंद सागर के ही बेटे हैं, उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि काफी कुछ रामायण को लेकर प्लान हो चुका है और जल्दी इसके ऊपर काम होगा। जैसे कि कास्टिंग में कौन होगा, श्रीराम कौन होगा, देवी सीता कौन होंगी, लक्ष्मण कौन होगा, क्या पुराने रामायण के किरदार भी होंगे जैसे कि अरुण गोविल, सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया। उन्होंने कहा कि इस रामायण में पुराने रामायण में से किसी को भी नहीं लिया जाएगा, ये नया रामायण है, इसमें नया राम सीता लक्ष्मण होंगे, नए एक्टर होंगे, नया कास्टिंग होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये रामायण एकदम फ्रेश होगा और साथ ही इस रामायण को एकदम बारीकी से बनाया जाएगा जैसे उनके पिता श्री रामानंद सागर ने बनाया था। अगर हम बात करें इस नए रामायण की तो अभी तक लोकेशन फिक्स नहीं किया गया है। पिछले रामायण उमर गांव में शूट हुई थी, लेकिन इस बार उमर गांव में शूट नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सागर की किसी फार्म हाउस में शूट होगी या फिर एनडी स्टूडियो में शूट होगी। और जैसे कि आप जानते हैं, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मोदी जी की कृपा से फिर से रामायण को चलाया गया था और तब बताया जाता है कि उस पुराने रामायण सीरियल की सस्ती वीएफएक्स ने हॉलीवुड वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन के रिकॉर्ड को तक तोड़ के रख दिया था। उसके बाद से ही रामानंद सागर के परिवार वालों ने एक और रामायण बनाने की योजना बना रहे थे और अब सिर्फ अंजाम देना बाकी है। वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।